आज हम एनिमेट सीसी सीखने जाएंगे। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। एनिमेट सीसी इज़ अ बेस्ट फॉर द एनिमेशन एंड कंपोजिटिंग। ज़्यादातर प्रोडक्शन स्टूडियो में एनिमेट सीसी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमेट सीसी कैसे वर्क करता है। देखिए, इसमें जो ब्रश टूल्स है उसका यूज़ करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टीज़ में जाकर ब्रश की साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं और इसके शॉर्टकट भी आपको एडिट प्रेफरेंसेस में मिल जाएंगे। जो आप चाहते हैं वो उसका शॉर्टकट कमांड रख सकते हैं। शॉर्टकट ब्रश का शॉर्टकट बी है। बी दबाने से ब्रश आ जाएगा, पी दबाएंगे तो पेन टूल आ जाएगा, टी दबाने से टेक्स्ट टूल आएगा, एल दबाने से लाइन टूल आएगा, एम दबाने से बॉक्स टूल आ जाएगा, ठीक है, वी दबाने से सिलेक्शन टूल आता है। सबसे पहले हमें ये हम कलर पैलेट में जाके कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमें जो कलर रखना है वो हम कर सकते हैं। देखो, हम वैसे कलर सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी इसमें डब के अंदर हम कलर फिलिंग करेंगे। सी लाइट डार्क आपको जो भी कलर्स चाहिए आप उसमें से यूज कर सकते हैं। एनिमेट सीसी बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। एक बार आपको अब समझ में आ जाएगा तो आपको इसमें काम करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। पिक टूल से कलर फिलिंग करने के बाद अब हम आगे इसको सब एनिमेट कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें इसे सिलेक्ट करके, देखो ये पेन टूल से पी दबाने से पेन टूल आ जाएगा। लाइन को, स्टार्ट लाइन और एंड लाइन को कनेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि कलर फिलिंग होगा ही नहीं इसमें। अभी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसका ब्रश की साइज़ जो हमें रखनी है वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ब्रश की स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल सिलेक्ट करने के लिए आपको ब्रश को सिलेक्शन करके रखना होगा लाइन ड्राइंग को। उसके बाद आप साइज़ भी बड़ी कर छोटी कर सकते हैं, ब्रश की पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये चेंज हो रहा है। तो हम पेन टूल से डायरेक्ट इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और पेंसिल टूल सिलेक्ट करके हम पेन जैसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रिप ड्राइंग में सही है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन जो बनाते हैं उसमें हमें प्रिंट मीडिया के लिए जो बनाते हैं तो वो डिटेल्स पेन टूल से करते हैं। इससे शार्पनेस अच्छी आती है। ये ब्रश की डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सी थिक एंड थिन जो भी सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद वही ड्रॉ होगा उसमें। एल दबाने से लास्ट टूल आता है जिससे हम सिलेक्ट करके वो उतना पार्ट जो नहीं चाहिए उसे हम डिलीट कर सकते हैं। ये हमने फाइन लाइन कर दिया। अभी इसे हम कलर फिल करेंगे लाइट डार्क कलर जो भी कैरेक्टर होंगे। कहीं से अगर लाइन जॉइंट नहीं हुई होगी, ब्रेक होगी, तो वो वहाँ पे कलर फिल नहीं करेगा।
तो उसे कलर फिल करने के लिए हमें वो लाइन को जॉइंट करना ज़रूरी है, अदरवाइज कलर फिल होगा ही नहीं उससे। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट स्टेप चालू करेंगे कि जैसे हम अगर एनिमेट करते हैं किसी चीज़ को, कैरेक्टर्स या बर्ड्स या कुछ भी, तो उसको हमें ग्राफिक में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ग्राफिक्स में नहीं करेंगे तो मेन स्टेज पे बहुत सारे लेयर्स हो जाएंगे, जिसे कन्फ्यूज़न होगा। जैसे किसी कैरेक्टर को पेन करना है, वर्क करवाना है, बैकग्राउंड बनाना है, बैकग्राउंड पे पेन करना है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, सीन्स बनाते हैं, तो सीन वन बनाया, उसके बाद सीन टू बनाया, तो सीधा उसको पहले कुछ भी लाइन ड्रॉ करके उसे ग्राफिक में कन्वर्ट कर दीजिए हर एक सीन को। और जो भी एनिमेशंस आप बना रहे हो, आई ब्लिंकिंग, लिप सिंक, फ्लाइंग सीक्वेंस, बॉक्स सीक्वेंस, वॉट एवर, वो ग्राफिक्स एक ग्राफिक के अंदर ही होती है। मेन सीन पे एक ही लेयर होना चाहिए, बाकी सारे लेयर्स ग्राफिक के अंदर। ठीक है, ये बॉक्स टूल्स, लाइन टूल्स के वेरिएशंस है। देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हम वेरिएशन चेंज कर सकते हैं इससे। ये बॉक्स टूल्स, ये टूल हम आपको लास्ट बाद में बताएंगे, ये रिगिंग के रिगार्डिंग है। जो पिन टूल्स है वो आगे जाके हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। बॉक्स टूल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे। उसको दबा के रखेंगे तो जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, ओवल है, वो सब ऑप्शंस आपको उसके अंदर मिलेंगे। ओवल है, हेक्सागन है, आप हेक्सागन की प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। ये पिक टूल है, ठीक है, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट्स को, आगे पीछे मूव करना है। ये एक जगह है, ये हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो है। आप इससे आगे जाके मतलब एनिमेशंस के और प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब स्क्रिप्ट टू स्क्रीन आउटपुट कैसे निकलता है, इसके अलग अलग वीडियोस हम अपनी चैनल पे डालेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, फिर आप सारे वीडियो जब भी चाहो देख सकते हो। आगे मतलब फर्स्ट वीडियो भी आपको देखना है तो भी देख सकते हो, मतलब रिमाइंड करवाने के लिए कि कैसा था। ये टेक्स्ट टूल से हम कुछ भी टाइप, टी दबाएंगे तो टेक्स्ट टूल आ जाएगा, उससे हमें टाइप करके यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, और ये वेक्टर है तो डायरेक्ट भी हम ऐसे स्केल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिफ्ट दबा के करना है लेकिन, नहीं तो वो प्रोफेशनली स्केल नहीं होगा। जो कलर पिकर है जिससे हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टेक्स्ट एनिमेशन का भी बताएंगे, टेक्स्ट एनिमेशन कैसे होता है उसका।
कलर पैलेट से कलर्स चेंज करने का है, वो कुछ भी हो, ये हैंड टूल है जिससे हम स्क्रीन को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा टूल्स हमें डिस्टर्ब कर रहा था, हम उसे मूव कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे जाके अभी इसको एनिमेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक लेयर्स लेके डॉग का जो कैरेक्टर है उसे कॉपी कर लेंगे। अब इसको हम ग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे। ग्राफिक कन्वर्ट करने के लिए F8 दबाना है, ठीक है। हाउ टू एनिमेट, अब हम सीन वन क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखिए हम सीन वन क्रिएट करने के लिए हमने जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, जो भी फर्स्ट हमारा होता है सीन वन का, इसको हम F8 बना के ग्राफिक में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें हमें ग्राफिक्स रखना कंपलसरी है, हम इसको मूवी क्लिप्स या बटन्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर हम मूवी क्लिप्स बनाएंगे तो हम जो भी एनिमेशन बनाएंगे ना ग्राफिक्स के अंदर, वो ऑन टाइमलाइन पे रन नहीं होगा, स्टिल रहेगा। जैसे ग्राफिक कन्वर्ट करोगे तो अंदर का जो भी एनिमेशन होगा वो ऑन स्क्रीन रन होना शुरू हो जाएगा। हम तो आपको बताते हैं, देखिए हमने एफेक्ट किया, ये ग्राफिक्स आ गया, ठीक है। हम अब ग्राफिक्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट फ्रेम है, ठीक है। अब हमने सेकेंड लेयर में उसका बैकग्राउंड्स बनाएंगे, एक एक नदी जैसा बैकग्राउंड बनाएंगे। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं क्योंकि जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ हम आप जैसे ही बनाएंगे उसको आप ज़्यादा डिटेल में भी बना सकते हैं, जितनी डिटेल करोगे उतनी हो सकती है, लेकिन ग्राफिक के अंदर करना है। ग्राफिक के अंदर आप नदी के अंदर उसके लिए ऊपर के लेयर में वेव्स दिखाना चाहते हैं तो वेव्स का एनिमेशन भी दिखा सकते हैं, क्लाउड पेनिंग का एनिमेशन दिखा सकते हैं, बर्ड्स उड़ते हुए दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। अदर कैरेक्टर्स दिखाना डबल एक्शन में, जैसे कोई फ्रॉग है वो जंप करके बैठा उछल रहा है, वो सब अंदर पॉसिबल है। तो वो सारा एनिमेशन फर्स्ट लेयर में बैकग्राउंड पे जो हम ऑन सीन आएंगे मेन सीन पे तो वहाँ पे रन होता हुआ दिखेगा, लेकिन सारे एनिमेशंस जो भी है वो ग्राफिक के अंदर होनी चाहिए। जैसे आपने अंदर अगर फ्रॉग का एनिमेशन करना चाहते हो तो ऊपर के लेयर में एक तुमने स्टील फ्रॉग ड्रॉ कर लिया, उसको भी अंदर ग्राफिक्स में ही कन्वर्ट करना है। वो जो भी नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसे F8 दबाने के बाद उसे ग्राफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके आप फ्रॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो अंदर जाओगे तो एक और असल सेम लेयर मिल जाएगा जिसमें आपको फ्रॉक का एनिमेशन करके बाहर आ जाना है, तो वो दोनों एनिमेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। देखिए अभी हम इसमें ये नदी जैसा बना रहे हैं और बैकग्राउंड में स्काई बनाए, स्काई का कलर ग्रीन करेंगे इसे, ठीक है। लाइक डैक जो कलर्स अच्छा लगता है कर सकते हैं, जैसे आपका ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एनिमेशन जितने भी होंगे ये अलग लेयर में ही करना है, मर्ज नहीं करना है, ठीक है। अब ग्राफिक के लेयर के अंदर एक्स्ट्रा ग्राफिक्स लेयर बना सकते हैं, जैसे ये क्लाउड है पेन करना है हम पेन कर सकते हैं इसके अंदर। हमें क्लाउड का मोशन थोड़ा मूव होता हुआ दिखाना है तो हमें इसका भी लेयर्स बनाना पड़ेगा ग्राफिक का।
ये सारे प्रिंसिपल्स आप एक बार समझ जाओगे, फिर आपको अपने क्रिएटिविटी जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो बहुत ही खूबसूरत, जितना खूबसूरत बनता जाएगा आपको और मज़ा आएगा, और आप उसको और भी इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। जैसे देखो ये मैंने अभी वेव्स बनाए हैं, ठीक है, लेकिन ये मेरे वेव्स मूव नहीं होंगे। हम करना चाहें तो उसके लिए अलग पैटर्न से स्टाइल है, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट लेयर में बताऊंगा कि वेव्स का मोशंस नदी के अंदर लाइव कैसे दिखा सकते हैं। अब ये क्रिएट मोशन ट्विन है, इसे हम राइट क्लिक करेंगे, लेयर लेयर की जो फ्रेम है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक मोशन ट्विन करना है, मोशन ट्विन नहीं क्लासिक मोशन ट्विन, ठीक है। इसके बाद F6 दबाना है तो उसकी डुप्लीकेट फ्रेम बन जाएगी। ये हमने उसे पैन कर दिया लास्ट वाली फ्रेम को, अब हम फर्स्ट वाली फ्रेम पे जाएंगे, उसे बाहर ले जाएंगे स्क्रीन के, देखिए राइट साइड पे मूव कर दिया, ये मोशन ट्विन हो गया। अब हम इसको प्ले करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हम डक मतलब मूव हो रहा है, अगर डक पानी में चलेगा तो उसके पानी की वेव्स भी हिलेंगे, राइट। देखो अभी हमने इसके ग्राफिक के अंदर मोशन दिया है, डक के ग्राफिक्स के अंदर दूसरा ग्राफिक में आ गया, वो देखो ऊपर नीचे हो रहा है देखिए, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम उसकी फ्रेम कम कर देंगे। सिलेक्ट करना है राइट और रिमूव फ्रेम्स करना है, रिमूव की फ्रेम्स, ओके, राइट क्लिक करना है, ले फ्रेम सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और रिमूव की फ्रेम्स करना है। अब देखिए अब मैं चाहूँगा कि ये इसके जो वेव्स है वो भी जैसे बतख चले वैसे मूव होने चाहिए। अब मैं डक की ग्राफिक्स से अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैं तीन फ्रेम्स बनाऊँगा ऊपर के लेयर में, उसको ड्रॉ कर देंगे, वेव्स की फ्रेम को ड्रॉ कर दिया मैंने, देखिए। अभी सेकंड फ्रेम में तुम्हें ड्रॉ करना है तो फर्स्ट फ्रेम देखने के लिए तुम्हें ऑनियन स्किन वाला ऑप्शन ऑन करना है ताकि उस फ्रेम को मोशन दे सके, देखिए है ना। अभी मास्किंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमें बॉक्स बनाना है अलग ऊपर के लेयर में, सबसे टॉप लेयर में प्रॉपर्टीज में जाना है, जो हमारी स्क्रीन साइज़ है उसी साइज़ का बॉक्स बना देना है, बॉक्स को सिलेक्ट करके रखना है ताकि उसकी नहीं तो वो साइज़ बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अभी ये कंट्रोल एल दबाएंगे तो अलाइन आ जाएगा, कंट्रोल के सॉरी, और सिलेक्ट करके सेंट्रल अलाइनमेंट कर दिया। अब उसको राइट क्लिक करके मास्किंग का बटन दबाना, राइट क्लिक करना है पहले कंट्रोल के सेंटर एलिमेंट, ओके, अब राइट क्लिक मास्क, ठीक है। बाकी जितने लेयर्स हैं उसको इसे सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर करके छोड़ देना है ड्रैग करके, तो सारे लेयर्स उसके अंदर आ जाएंगे, जो भी लेयर्स हैं उसको खाली ऊपर की साइड में हल्का सा ड्रैग करना है बस, और कुछ नहीं करना है। प्रोपोर्शन ऑफ रखना है ताकि सेम साइज़ का रिजोल्यूशन बने, तो आप ऊपर जो टाइप करोगे उसके प्रोपोर्शनली नीचे भी ले लेगा हाइट और विड्थ। देखिए हो गया मास्किंग परफेक्ट। अब वो लेयर को उठा के फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक सेट कर देना है, सारी फ्रेम को कवर करके उसको लॉक कर देना है, जैसे लॉक करोगे वो मास्क हो जाएगा, लॉक हटाओगे तो सारे लेयर दिख जाएंगे। वो हम कंट्रोल एंटर करके इसका एनिमेशन देखते हैं कैसे बना है, ये देखिए। अभी ये हमारी एक स्टोरी है द थर्स्टी क्रो, ये इसको स्टोरी बोर्डिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट के हिसाब से हम स्टोरी बोर्ड करेंगे सीन वाइज, और F6 मारते जाएंगे सीन का, मतलब आपको ऑडियो फाइल नीचे रख के सुनते जाना है और उसी हिसाब से
ये एनिमेटिक्स रैंडम बनाना है। अभी एनिमेटिक्स सबको विजुलाइज करना है, ठीक है, और हर एक सीन चेंज होता है उसके इफेक्ट दबा देना है ताकि ग्राफिक्स बन जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला था, सारे सीन हमने रफ ड्रॉ किया है लेकिन एनिमेटिक्स बनाए, लेकिन एफेक्ट दबा के रखा है ताकि सीन 3 आया ये भी एफेक्ट है, ये सीन 4, सीन 5। आप ऑडियो सुनते जाएंगे उसी हिसाब से आपको सीन जो दिमाग में आता है वो शो करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी रखनी है, कैरेक्टर डिज़ाइन और वो सब को पहले से करके रखना है, ये सारे सीन्स ग्राफिक्स में है, ताकि अब जब हम एनिमेटिक्स के बाद एनिमेशन चालू करेंगे तो वो डिटेल प्रोडक्ट्स हो जाए, डिटेल वाला काम हो जाता है। तो हम थोड़ा रेफरेंस स्टडी करते हैं, हम थोड़ा वीडियोस देखते हैं, थोड़ा आइडियाज लेते हैं। तो जब हम सीन 1 बनाते हैं सपोज, तो हम ग्राफिक्स में जाएंगे तो हम सोचें, बाद में हमें आइडिया आएगा कि इससे हम ऐसे बनाए तो कैसा लगेगा, रेफरेंस देखने के बाद इम्प्रूवमेंट आता ही है। तो वो जो भी करना है वो सीन 1 के ग्राफिक के अंदर जाके करना है, ठीक है। फिर जैसे ही ये एक सीन कंप्लीट बन जाएगा ना आपका, जो लाइन ड्राइंग के हिसाब से है वो, तुम बाद में उसको नीचे का लेयर डिलीट कर दोगे और बाहर आ जाओगे तो पूरा सीन डिटेल में कलर में वहीं पे सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एनिमेटिक्स के एक फाइल अलग सेव करनी है, और जब फाइनल डिज़ाइन चालू करो तो फाइनल एनिमेशन बनाना शुरू करो तो उसका भी एक टाइटल नाम दे देना है, जो भी स्टोरी का नाम है। जैसे स्टोरी का नाम थर्स्टी क्रो है, ठीक है, तो ये जो है थर्स्टी को एनिमेटिक्स नाम दिया है। अब वही फाइल ओपन करके मैं थर्स्टी को सेव कर दूंगा, थर्स्टी को स्टोरी वर्जन 1। तो इसमें मैं कलर कलर फिर कलर के साथ डिटेल में स्टार्ट करूँगा, जो भी मेरा कैरेक्टर है एक्चुअल कैरेक्टर्स आ जाएगा, थोड़ा एंगल चेंज होगा कंटिन्यूटी के हिसाब से, बैकग्राउंड पैन होगा आगे पीछे। ये आप कोई एनिमेटिक्स देखिए, उसके बाद पूरी स्टोरी डिटेल में एनिमेशन में देखेंगे तो आइडिया आ जाएगा कि हाँ देखिए पहले का एनिमेटिक्स उसके बाद एनिमेशन, इसीलिए मैंने पहले एनिमेटिक्स दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप एनिमेशन देखिए उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है। ये जस्ट विजुलाइज है, क्विक ड्राइंग है कि हाँ भाई ऐसा कुछ दिखाना है मुझे स्टोरी में, तो जो माइंड में आया तब वैसा बना दिया, लेकिन जब फाइनल आउटपुट होता है तो बहुत सारा चेंज होता है। देखा होगा पानी जब पत्थर डाल रहा है, तो पत्थर डालने के बाद वो पानी पिएगा, उसमें आपको वही सो भी सुनाई देगा। ये देखिए ये सीन मास्किंग किया हुआ है मैंने, ये देखिए ये डिटेल वाला काम हो गया है। अभी सेव कर दिया फाइल को डिफरेंट नेम से ताकि वो ओवरराइट नहीं हो जाए, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि आप अगर सीन 1 में आपने क्रो एनिमेशन यूज़ किया है, ठीक है, इसमें उसकी आई ब्लिंक हो रही है, अब आपको वही सीन आपको चाहिए सीन 2 में, आप चाहते हैं कि उसमें मैं लिप सिंक कराऊँ, डायलॉग्स बोलाऊँ, तो वो जो जो ग्राफिक्स है लाइब्रेरी में, Ctrl+L करोगे तो लाइब्रेरी आएगी, उसमें आपका क्रो का ग्राफिक्स होगा सीन 1 का, उसी को यूज़ नहीं करना है। अगर आप उसमें लिप सिंक डालोगे तो आगे वाले सीन में भी लिप सिंक आ जाएगा, तो वही सीन 1 का जो क्रो वाला एनिमेशन लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है उस पर राइट क्लिक कीजिए, उसको डुप्लीकेट करके कुछ और नाम दे दीजिए, जैसे क्रो लिप सिंक करके, फिर आप उसके अंदर जाके आई ब्लिंक के साथ लिप सिंक करोगे या फ्लाई एनिमेशन जो भी कुछ भी डुप्लीकेट बना के करोगे तो आगे वाले सीन के साथ ओवरराइट नहीं होगा, नहीं तो आपने वही का वही यूज़ कर दिया सेकंड सेकंड सीन में, वही क्रो के ग्राफिक्स के अंदर जाके उसने उसके अंदर आपने फ्लाई सीक्वेंस बना दी, तो आगे जो तुमने क्रो बिठाया आई ब्लिंक वगैरह सीन 1 में रखकर वो भी उड़ने लगेगा, समझ गए। तो करना क्या है, हर बार हमें सीन डुप्लीकेट करना है, राइट। इन शॉर्ट सॉरी, जो भी
सीन हम दूसरी बार यूज़ करना चाहते हैं तो इतना माइंड में रखना है कि भाई जितनी भी बार यूज़ करो उसे लाइब्रेरी में से ड्रैग करने से पहले डुप्लीकेट पे जाके फाइल को रीनेम करना है। फिर आप उसे एक सीन को 10 बार भी यूज़ कर सकते हो, एक ही सीन के अंदर आप 10 बार चेंज कर सकते हो। जैसे कौवे का, क्रो का कलर पहले ब्लू है, उसके बाद दूसरे सीन में कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करने से पहले सीन डुप्लीकेट करना ज़रूरी है, ये नोट करके रखना है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सपोर्टिंग वाला प्रोसेस है, इसे मैं थोड़ा ट्रैक कर देता हूँ। ये थोड़ा पूरा मूवी का स्टोरी है ना। हाँ देखिए, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, तो इतना टाइम फुटेज देना अच्छा भी नहीं है, इसलिए मैंने उसे ट्रैक कर दिया। अभी ये सीन देखिए, ये ग्राफिक्स है, सारे डिफरेंट ग्राफिक्स है, ये सपोर्ट का एनिमेशन है। हम ग्राफिक्स के अंदर आए तो 3 लेयर में अलग अलग कर दिया। ये दोनों का एनिमेशन है तो एक दूसरे को कनेक्ट कैसे करना है। जैसे देखो, इसने पुश किया, अगर घड़े को पुश किया तो घड़ा भी मूव होगा। ठीक है, तो सेम लेयर है देखिए, तीनों कौवे का, मटके का, और नीचे जो पॉट के नीचे जो हमने बैकग्राउंड रखा, लेकिन बैकग्राउंड में हमें एनिमेशन नहीं करना है, उसे लॉक कर दो। अब मोशन ट्विन देने के बाद दोनों लेयर्स को F6 F6 दबा देना है। ठीक है, अब पहले हम पैरट का ये सॉरी कौवे का एनिमेशन करेंगे। ठीक है, देखिए इसे मूव गया, जैसे ही वो धक्का मारेगा उसके इन सेकेंड ही दूसरी फ्रेम में पॉट मूव हो जाएगा। तो थोड़ा एक फ्रेम हमें आगे पीछे रखना है। देखिए अरे, और इसमें एक चीज़ याद रखना है, जैसे ये पॉट है वो मूव हो रहा है तो हमें उसका पाइवट सेट करना पड़ता है कि जमीन से कनेक्टेड है ना, पैर पैर ऊपर नीचे थोड़ी ना होंगे, पैर से सारा बैलेंस होगा। तो पाइवट पॉइंट हमें नीचे की साइड में सेट करना है, वो हम आगे बताते हैं आपको कैसे करते हैं। ये लिपसिंग है इसका, ये पुश कर रहा है। देखिए ग्राफिक के बाहर रन हो रहा है, दिखा
ये पहले वो पानी में पानी खड़े उस पॉट के अंदर पत्थर डाल रहा है, ऐसी सिचुएशन दिखानी है। ये उसके लिए मैं ट्राई कर रहा है, उसको गिराने का ट्राई कर रहा है पॉट को, लेकिन उससे गिर नहीं रहा है। फिर हमें भी हमें क्रिएट क्लासिक मोशन ट्विन करना है। क्रिएट मोशन ट्विन नेक्स्ट सेशन में बताएंगे उसका यूज़ कैसे होता है। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स है, लेकिन तो पहले हम मोशन ट्विन का यूज़ करना सीखें। डुप्लीकेट के लिए F6 दबाना है, डुप्लीकेट फ्रेम के लिए, ठीक है। क्रिएट क्लासिक मोशन ट्विन का करेंगे तो उसका कलर ऐसा पर्पल होगा जो हमें यूज़ करना है। अगर ग्रीन होता है तो समझ जाना है कि ये मोशन ट्विन है, वो यूज़ अभी नहीं करना। अब इसको हम एनिमेट करेंगे, इसको हम बाहर स्क्रीन के बाहर भेज देंगे कौवे को। यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ऑप्शन होता है, तो देखिए ये बाहर चला गया। फर्स्ट फ्रेम में हमने मूव करके बाहर रख दिया, फर्स्ट फ्रेम में यहाँ से सेकंड फ्रेम में बाहर भेज दिया। अब इसको बीच में रोटेट कर दिया, देखिए एक क्लॉकवाइज हो गया। इसको स्क्रीन के बाहर भेजने का रीज़न है कि उसे हमें नेक्स्ट सीन के साथ मैच भी करना है, तो हमें नेक्स्ट सीन की कंटिन्यूटी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आगे क्या होने वाला है। वो आप स्टोरी बोर्ड बनाएंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि स्टोरी बोर्ड को फॉलो करना है कि फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन, सारे लेआउट्स के हिसाब से एनिमेशन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ, ये देखा आपने कैरेक्टर के वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट है, पोज बना के रख देना है। अभी ये सीन 2 है, सीन 2 की कंटिन्यूटी मैच कर रहा हूँ। जैसे वो कौवा स्क्रीन के बाहर हमने कर दिया, बैकग्राउंड एक्सटेंड किया हुआ है, वो कौवा गिरने के बाद सेकंड पोजीशन हमने बाहर रख दिया। अभी ये मेन स्क्रीन के बाहर है, देखो ये सीन 2 बना रहे हैं बाहर की साइड में। बाहर इसलिए बना रहे हैं कि अभी ये बैकग्राउंड पैन होगा, ठीक है। पैनिंग लिखे आना है, पैनिंग के बाद सीन 2 स्टार्ट होगा। तो ये क्रिएट मोशन ट्विन कर दिया हमने, अभी हम इसको बैकग्राउंड को सीन के अंदर ले आए, स्क्रीन के अंदर। तो पेन हो गया, ठीक है, पॉट वाला चला गया। अभी सोचेगा, सोचने वाली सिचुएशन आएगी तो क्या किया जाए। ऑडियो भी सुनते जाना है नीचे, एनिमेटिक्स भी ऑन रखना है नीचे के लेयर में। फ्रेम हमने एक्सटेंड कर ली क्योंकि पैनिंग की स्पीड के हिसाब से फ्रेम बढ़ानी पड़ती है। अब
सिलेक्ट करके F5 दबाओगे तो वो स्क्रीन बढ़ती जाएगी लेयर को सिलेक्ट करके। अदरवाइज आप लास्ट फ्रेम को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। अब हम मास्क करके दिखाएंगे इसको, ये सीन एक्चुअल कैसा दिखेगा बाद में। अभी क्या है पूरा बैकग्राउंड दिखाएगा, आइडिया नहीं आएगा आपको, तो मास्किंग के साथ देखोगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगी सीन, तो दोनों सीन। इसके ग्राफिक्स के अंदर हम कौवे का एनिमेशन करने वाले हैं, इसलिए इसको अंदर लेके आए, उस लेफ्ट राइट आगे इधर उधर देख रहा है ऐसा दिखाना है, तो लेफ्ट साइड देखेगा राइट साइड देखेगा। बॉडी सरल, बॉडी के पार्ट लेयर में रखना अच्छा है। अभी मॉडिफाई में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके ओरिजेंटल वर्टिक ओरिजेंटल करेंगे। इधर देख लिया, एक फ्रेम हो गई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, और इधर उधर देख रहा है, ये लुक में फिर एक दो बार दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर हम आई ब्लिंकिंग भी कर सकते हैं करना चाहे तो, ज़्यादा लंबा सीन है तो कर सकते हैं कि मतलब लेफ्ट राइट देखा फिर सोचा, तो स्टिल बोरिंग नहीं लगे, इसलिए हम थोड़ा आई ब्लिंक और थोड़ा एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। ये देखिए जो जो बॉडी पोर्शंस को हम एनिमेट करना चाहते हैं उतना पार्ट सिलेक्ट करके हमें अलग लेयर में ले लेंगे, ठीक है। लिपसिंग के फंडामेंटल में ये है कि जब हम अपने आप को भी ऑब्जर्व कर सकते, जब हम बोलते हैं उस टाइम में हम आई ब्लिंक नहीं करेंगे, वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो लिपसिंग जैसे वेव फ्रेम में लिपसिंग चल रहा है वहाँ तक लिपसिंग चलता रहेगा, और जैसे पॉज आता है उस टाइम में हमें आई ब्लिंक देना है। तो मैक्सिमम 30 सेकेंड का गैप रखना चाहिए आई ब्लिंक देने के लिए, नहीं तो वो ऑकवर्ड लगता है, बार बार लिपसिंग होता रहेगा वो भी अच्छा नहीं लगता। और आई ब्लिंक की लिपसिंग थोड़ा होने के बाद आई ब्लिंकिंग 30 सेकेंड के बाद एक बार आई ब्लिंक दिखा दीजिए। देखिए लेफ्ट राइट देख रहे हैं, वो थोड़ा गैप F5 दबा के फ्रेम दे दिए, फ्रेम बढ़ाने के लिए F5 दे दिए हमने, कर्सर को मूव करते जाओ और F5 दबाते जाओ।
देखिए ग्राफिक्स में है ना तो ही रन होगा, ये मूवी क्लिप है अभी देखिए, रन नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर देना पड़ेगा उसको। कोई भी एनिमेशन होगा मूवी क्लिप में रन नहीं होगा। अब बोले मैंने फर्स्ट स्टेज पे ग्राफिक्स बनाया लेकिन रन नहीं हो रहा, लेकिन अब जब फर्स्ट स्टेज से सेकंड ग्राफिक्स के अंदर जाएंगे उसका दूसरा जो लिपसिंग वाला ग्राफिक्स बनाएंगे, अगर वो आपने मूवी क्लिप में बनाया या तो अदर कैरेक्टर को मूवी क्लिप में बनाया तो वो बाहर स्टेज पे रन नहीं करेगा। सारे ही सभी को लाइब्रेरी में जाके प्रॉपर्टीज में जाके ग्राफिक्स कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो तुम्हें ग्राफिक्स में लिपसिंक कैसे करना है ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। जैसे भी हम अब ग्राफिक्स में लिपसिंक करने के बाद मेन स्टेज पे आएंगे ना, तो सिंपल फंडा ये है कि हमें F6 दबाना है, ठीक है। जहाँ पे वेव्स दिख रहे हैं वहाँ से F6 दबा के, जहाँ पे ब्लैंक जा रहा है वहाँ पे अगेंस्ट F6 दबाना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है। ग्राफिक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओगे तो नीचे ऑप्शन होगा लूप और प्ले वंस का, ठीक है, और सिंगल फ्रेम का ये वाला दिख रहा है। तो जहाँ वेव्स दिख रहा है वहाँ उतना पार्ट सिलेक्ट करके F6 दबाना है जहाँ ब्लैंक छूट रहा है। तो फर्स्ट वाले को जो वेव्स वाला ऑप्शन है वहाँ पे हमें उसे लूप देना है, ये लूप का ऑप्शन है, तो वो प्ले होता रहेगा। और ये जहाँ स्टेटिक है वहाँ से F6 दबा के एक फ्रेम ऐड कर देनी है, और जहाँ ब्लैंक वेव्स दिख रहा है वहाँ पे हमें सिंगल फ्रेम करना है, तो वो स्टिल हो जाएगा। मतलब हम जहाँ ऑडियो नहीं है वो इतना पार्ट हमें स्टेटिक रखना है। अब लूप वाला पार्ट रन हो रहा है, वेव्स वाला सिंगल फ्रेम वाला बंद हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा जहाँ डायलॉग मतलब नहीं है वहाँ, जहाँ कुछ डायलॉग्स ही नहीं है वहाँ पे लिपसिंक दिखाने का मतलब ही नहीं है। है ना, हम बोल नहीं रहे और हमारे लिप्स हिलेंगे तो कैसा लगेगा, वही चीज़ है।
ये मास्टर बीजी है जो सारी स्टोरी को प्लान करके बनाया जाता है कि भाई ये एंगल में ये सीन, मतलब उसी हिसाब से पूरा बनता है कि पूरी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी आगे पीछे। चाहे सिचुएशन चेंज होती है तो फिर लोकेशन चेंज होता है तो उसका बैकग्राउंड अलग बनाने की ज़रूरत पड़ती है हमें। जैसे कोई पैलेस का वाला सीन आ गया है, कोई शहर का सीन आ गया है, तो लोकेशन चेंज हो जाता है। पर जब स्टोरी एक ही लोकेशन पे घूमती है तो हमें उसे क्लोजअप मिड शॉट के प्लान से बैकग्राउंड बनाना होता है। लॉक ऑफ कर देना है तो प्रोफेशनली हम बैकग्राउंड रेंडम, मतलब सिर्फ स्क्रीन साइज दे सकते हैं, जो साइज देनी है। लॉक होगा तो वो प्रोफेशनली ले लेगा नीचे। सिलेक्ट करके रखना है तभी जाके वो अलाइन होगा, और नीचे वाला ऑप्शन ऑन करना है। देखा आपने ये राइट मार्क करके रखना है ये वाला अलाइनमेंट का, नहीं तो वो ड्रैग नहीं होगा, मूव नहीं होगा। मास्किंग में हमें एक बार सारी इमेज को ड्रैग करके टच करना है एक बार, तो उसका वैसा पोजीशन चेंज हो जाएगी, नहीं तो सारी इमेज मास्क नहीं होगी, छूट जाएगी। जो बाहर की तरफ पैरेलल नहीं है ना, तो वो भी लेयर को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना है। ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, ऑडियो को आप रख सकते हैं, इसको मास्क करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखें पूरी स्टार स्टोरीज हम एक ही लेयर से मास्क कर देंगे, छूटना नहीं चाहिए ब्लैंक बीच में, नहीं तो वो मास्क नहीं होगा। एक ऊपर ब्लैंक लेयर पूरा स्टोरी को कवर करना चाहिए। ये 1 2 3 तीन लेयर सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, छोड़ दिए, हो गया मास्क, लॉक कर देना है, दैट्स इट। ये देखो बीच में छूट गया ना, ताकि इसलिए ये मास्किंग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ब्लैंक फ्रेम आ गया है बीच में। अब उसको हम, ये हमने आपको दिखाने के लिए ही किया था कि देखो कैसे छूट जाता है ये। ठीक है,
अभी ये पूरी स्टोरी रन हो रही है। कैमरा मोमेंट्स ये है स्टोरी, ऐसे होता है एनिमेटेड सिंगिंग कंपोजिटिंग, और हम आपको नेक्स्ट में दिखाएंगे।